बरोदिया नौनागिर हत्याकांड मामला अब और गर्माता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव बरोदिया नौनागिर पहुंचे थे तो इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नौनागिर गए थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके इस मामले में क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि कुछ समय पूर्व भूपेंद्र सिंह जी ने स्वयं अंजना अहिरवार व उसके काका मोहन अहिरवार को नितिन अहिरवार हत्या प्रकरण में समझौता कराने के लिए अपने निवास खुरई बुलाया था। जरा सुनिए उन्होंने किस फिल्मी अंदाज में पीड़ित परिवार को समझाया। उन्हें बैठने के लिए तक भी नहीं कहा। आज मुख्यमंत्री जी इन्हें साथ ले जाकर शायद अच्छे ढंग से समझा कर ही आए होंगे। देखते हैं। बता एफआईआर की देखो बेटा, जिस जिसके नाम बोले वो सबकी लिखी गई एफआईआर। ऐसा तो है नहीं कि जो नाम बोले वो एफआईआर नहीं लिखी गई। तत्काल एफआईआर लिखी गई, तत्काल गिरफ्तारी हो गई, सारा सब कुछ हो गया। एक दो लोग रह गए हैं तो वो तो गिरफ्तार आज नहीं तो कल होंगे। उसमें तो अग्रिम जमानत होती नहीं है 302 में, तो वो तो पेश होना ही पड़ेगा। बिना पेश हुई तो उसमें होगा नहीं, तो इसलिए उनके फरार रहने या नहीं रहने से उनको कोई फायदा तो मिलना नहीं है। वो पेश होंगे तभी उसके बाद कुछ होगा। 302 में तो जमानत होती नहीं है, ये तो आप भी जानती हो। तो 302 में जमानत नहीं होती, तो जमानत तो होगी नहीं। रहा मकान का सवाल, तो मकान अगर अतिक्रमण में होगा तो जरूर गिरेगा। जिनके अतिक्रमण में होंगे वो जरूर गिरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अतिक्रमण में होंगे तो गिरेंगे, फिर कैसे गिरेंगे, किस आधार पर गिरेंगे? मकान गिराने का आधार क्या है? ऐसे तो रोज झगड़े होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, तो ऐसे मकान मर्डर में मकान गिराने का कहाँ नियम है? कौन से कानून में आप तो ला कर रहे हैं, कौन से कानून में लिखा कि मकान गिरा है? मकान जो माफिया होते बेटा, कोई इस तरह की घटना होती है या कोई कोई रेप जैसा कोई मामला होता है तब अपन कोई मतलब संगीन अपराध होता है तब अपन मकान गिराते हैं। कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। अभी रोड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी पता होगा हरियाणा में मकान गिरा रही थी सरकार, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बिना उसके आप कैसे गिरा सकते हैं? मान लो एक मकान में 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी है, तो 9 ने क्या गलती? मकान तो 10 का है ना, तो अपराधी एक है तो 9 ने क्या अपराध किया? तो कानूनन तो मकान गिरा नहीं सकते। कानूनन तभी गिरा सकते जब अतिक्रमण, तब बिल्कुल किसी का भी गिरा सकते। वो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाही वैसी धाराएं लग गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अपन 10,000 रुपये और नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? यह घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है। किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी, उसके अलावा सरकार क्या करेगी? अब घटना हो गई तो उसमें उस समय सरकार क्या करती? घटना तो प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।